मायसेल्फ डॉक्टर स्वाति शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज, टोंक। आज का हमारा टॉपिक है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो है वो साइज में बहुत छोटे स्फेरिकल और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेक्यूलर बॉडीज होते हैं। उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिनका मेन फंक्शन इंट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर डाइजेशन करना है मॉलिक्यूल्स का, और कई बार ये कंप्लीट सेल को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम है सुसाइडल बैग्स। लाइजोसोम्स जो है उनका ओरिजिनेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स से, या फिर दोनों से भी हो सकता है। लाइजोसोम्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ए नोविकॉफ ने 1959 में रेड लिवर सेल में। उसके बाद डी ड्यूब ने सबसे पहले उनको एज अ सेल ऑर्गेनल डिस्कवर किया और उनका नाम लाइजोसोम्स दिया क्योंकि उनमें लाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये सभी सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में ये, केवल ये मेमेलियन आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं, अदरवाइज वो सारी सेल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि किडनी, लिवर, स्प्लीन, ब्रेन, मैमल्स की थायराइड सेल, सभी सेल्स में, एनिमल्स में ये पाए जाते हैं। लेकिन प्लांट सेल्स में इनकी अकरेंस डाउटफुल है क्योंकि लार्ज वैक्यूल्स, स्पीरोसोम्स पाए जाते हैं प्लांट सेल्स में, जो कि वही फंक्शन करते हैं जो कि लाइजोसोम्स कर रहे होते हैं। लाइजोसोम्स जो है वो बहुत ही साइज में छोटे राउंड डेंस बॉडीज होते हैं और उनकी शेप वेरी करती है, डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के हैं, कौन सी स्टेज में हैं, कौन से टाइप के हैं, और इनकी जो एवरेज साइज है वो होती है 0.4 μ टू 0.8 μ। इनका जो स्ट्रक्चर है वो लाइजोसोम्स दो पार्ट्स के बने हुए होते हैं, एक तो लिमिटिंग मैम्ब्रेन और दूसरा इनर डेंस मास। ये इनकी लिमिटिंग मैम्ब्रेन है और ये इनके अंदर इनर डेंस मास जिसमें कि एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो लिमिटिंग मैम्ब्रेन है वो सिंगल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर है लाइजोसोम्स, और वो लिपोप्रोटीनेशियस है, यूनिट मैम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है जिसमें कि एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। इनर डेंस मास जिसमें कि एंजाइम्स है, 40 तरीके के अलग अलग एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनमें पाए जाते हैं, स्पेशली डिजोल्विंग एंजाइम्स जैसे कि एसिड फॉस्फेटेज, एसिड राइबोन्यूक्लिएज, एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, ग्लाइकोसाइडेज आदि पाए जाते हैं। ये पोस्टमार्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि कंप्लीट सेल, सेल पार्ट्स, उसके सेल ऑर्गेनल्स जो डेड पार्ट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के काम में आते हैं, इसलिए हम इन्हें पोस्टमार्टम डीजनरेशन भी कहते हैं। इसमें जब ऑटोलाइसिस की स्टेजेस होती हैं, अलग अलग स्टेजेस के आधार पर कई प्रकार के लाइजोसोम्स पाए जाते हैं। मेनली ये चार तरीके के लाइजोसोम्स हैं, इसलिए इनको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। लाइजोसोम्स के चार टाइप्स हैं ताकि वो पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फिज्म मतलब तरह तरह की मॉर्फोलॉजी वाले हैं। तो मेनली चार तरीके के, पहला है प्राइमरी लाइजोसोम्स। प्राइमरी लाइजोसोम्स वे लाइजोसोम्स हैं जो कि अभी अभी गॉल्गी कॉम्प्लेक्स से नए नए बने हैं, और वो सिक्रीशन के माध्यम से स्मॉल वैक्यूल्स बनती हैं गॉल्गी कॉम्प्लेक्स से, जिसमें कि स्टोरेज ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और केवल एक ही एंजाइम एसिड फॉस्फेटेज पाया जाता है, उनको हम कहते हैं प्राइमरी लाइजोसोम्स। नेक्स्ट इज सेकेंडरी लाइजोसोम्स। ये सेकेंडरी लाइजोसोम्स बनते हैं जब प्राइमरी लाइजोसोम्स फेगोसोम्स या पिनोसोम्स के साथ में यूनाइट करते हैं। फेगोसोम्स और पिनोसोम्स क्या होते हैं, जो सेल होती है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से सॉलिड और लिक्विड चीजों को एंगल्फ करती है, वो अपने अंदर ले लेती है। तो अगर वो सॉलिड पार्टिकल्स वाले वैक्यूल्स हैं तब तो वो फेगोसोम्स कहलाते हैं, अगर ऐसे वैक्यूल्स जो कि लिक्विड है जिसमें, उनको पिनोसोम्स कहते हैं। तो जब ये प्राइमरी लाइजोसोम्स उनसे यूनाइट करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम्स। और ये जो सेकेंडरी लाइजोसोम्स होते हैं इनमें उन मटीरियल का कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन के बाद में जो सिंपल सब्सटेंसेस बनते हैं उन सिंपल सब्सटेंसेस को लाइजोसोम की मेम्ब्रेन अपने से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सेल में रीयूटिलाइज हो जाते हैं। थर्ड इज रेजिडुअल बॉडीज। सेकेंडरी लाइजोसोम्स में अगर डाइजेशन इनकम्प्लीट रह जाता है, उसमें अगर कोई एंजाइम की कमी है और वो उन पार्टिकल्स को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो पार्टिकल्स वाले जो लाइजोसोम्स हैं उनको हम कहते हैं रेजिडुअल बॉडीज। ये जो रेजिडुअल बॉडीज हैं जो कि अमीबा प्रोटोजोआ में तो एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं, जो पिनोसाइटोसिस और इसमें फेगोसाइटोसिस होता है, उसमें पिनोसोम्स और फेगोसोम्स बनते हैं, वो वास्तव में
एंडोसाइटोसिस है, मतलब वो अपने अंदर ले रहे हैं, और एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर निकालना। तो ये जो रेजिडुअल बॉडीज हैं जिनमें कि बचा हुआ मटेरियल है जिसका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, वो एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन कई बार वो बहुत लंबे समय तक बॉडी में रह सकता है और वो बॉडी में कई तरीके की डिजीजेस भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इज ऑटोफेजिक वेक्यूल्स। ये जो तीन लाइजोजोम्स होते हैं, तीन टाइप के लाइजोजोम्स हैं, वो तो क्या है कि अगर कोई बाहर से पार्टिकल आ रहा है उसको डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं। और फोर्थ टाइप के जो लाइजोजोम्स हैं, दीज आर नोन एज ऑटोफेजिक वेक्यूल्स, क्योंकि ये जो सेल डेड सेल है या सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो कि डेड हैं, जैसे कि कोई डेड माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेगी। इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं कम्प्लीटली, उनको डीजनरेट कर देते हैं। जो केमिकल नेचर होता है लाइजोसोम्स का, वो मेनली इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, 40 टाइप्स के, 40 तरीके के अलग अलग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट फॉस्फेटेजेस, न्यूक्लियेजेस, प्रोटीएजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, सल्फेटेजेस, लाइपेजेस हैं, जो कि अलग अलग डाइजेशन में काम आते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के, लिपिड्स के, प्रोटीन्स के डाइजेशन में भी काम आते हैं। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ लाइजोसोम्स। इसमें तीन तरीके का ओरिजिन है, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन, अगर बाहर से कोई एंगल्फ करते हैं वो पार्टिकल को और उसके साथ में कुछ एंजाइम्स सेल के उसमें चले जाते हैं तो वो लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका ओरिजिन क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि वो वैक्यूल कहाँ से बनी है, बाहर का मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट है। सेकेंड इज फ्रॉम गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। जो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स है वो कंटिन्यूसली अपने मार्जिन से सिक्रीटरी मटेरियल के साथ में कुछ वैक्यूल्स को जनरेट करता रहता है, एंड दीज आर लाइजोसोम्स। और ए नोविकॉफ का मानना था कि ये इनका ओरिजिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी होता है। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ लाइजोसोम्स, पहला है डाइजेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर पार्टिकल्स। डाइजेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर पार्टिकल्स, इसमें जो भी बाहर के पार्टिकल्स हैं उनका नहीं, जो सेल के अंदर के पार्टिकल्स हैं उनका डाइजेशन इसमें होता है। जब स्टार्वेशन के समय क्या होता है कि लाइजोसोम्स में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो स्टोर्ड फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, जो सेल के अंदर प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको वो डाइजेस्ट करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में काम आती है। तो ये ऑटोफेगी के समय भी माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डाइजेस्ट करते हैं, और उनके डीजनरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में काम आती है। तो सेल के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, फूड मटेरियल है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स। अगर कोई एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल एंटर करता है, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं फूड पार्टिकल है जो कि एंडोसाइटोसिस के माध्यम से इसमें प्रेजेंट, इसमें वैक्यूल की फॉर्म में ये सेल ने अपने अंदर एंगल्फ कर लिया है, और ये एंटर करने के बाद में ये फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो गया है, और जो फूड वैक्यूल है ये इसमें जो फूड वैक्यूल इसमें जो प्रेजेंट है वो आकर के, ये देखिए आप, इसमें गॉल्गी कॉम्प्लेक्स की मार्जिन से लगातार लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये लाइजोसोम्स के साथ में ये कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन करने के बाद में ये सेकेंडरी लाइजोसोम बनाते हैं। दीज आर प्राइमरी लाइजोसोम्स, जो कि हमने टाइप्स ऑफ लाइजोसोम्स पढ़ा था अभी, उसमें चार प्रकार के थे। पहला, जो कि नए लाइजोसोम्स बनते हैं गॉल्गी कॉम्प्लेक्स से, वे प्राइमरी लाइजोसोम्स कहलाते हैं, और जब ये किसी फूड पार्टिकल के साथ में कंबाइन करते हैं तो वो सेकेंडरी लाइजोसोम्स कहलाते हैं, और यहाँ पर इनका कंप्लीट डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद में जो सिंपल सब्सटेंसेस बने वो लाइजोसोम की इस मेम्ब्रेन के माध्यम से सेल एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो रेजिडुअल बॉडी है वो एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से बाहर की तरफ इजेक्ट आउट हो जाती है। तो ये होता है डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल। सेल के बाहर के पार्टिकल अगर कोई एंटर करते हैं तो उसका डाइजेशन का काम भी ये लाइजोसोम्स करते हैं। नाउ रिमूवल ऑफ डेड सेल्स। जो डेड सेल्स होती हैं, जो डेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो भी ये लाइजोसोम्स डाइजेस्ट कर देते हैं। इसमें अगर सेल कंप्लीट डेड हो जाती है तो ये लाइजोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है ये रप्चर हो जाती है, और सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो बाहर आ जाते हैं, और वो कंप्लीट सेल को डीजनरेट कर देते हैं, कंप्लीट सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लाइजोसोम्स का एक नाम है सुसाइडल बॉडीज।
नाउ रोल इन फर्टिलाइजेशन, जो स्पर्म हेड होता है उसमें भी लाइजोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं, लाइजोसोम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, जैसे कि प्रोटीएजेस, एसिड फॉस्फेटेजेस, ये सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। और जो एग सेल है, एग सेल की जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो एग सेल को चारों तरफ से सराउंड करते हैं, उनको वो डाइजेस्ट कर देते हैं, और डाइजेस्ट करके वो पाथ क्रिएट करते हैं, और उस पाथ के माध्यम से जो स्पर्म है वो एंटर करता है एग में। नाउ रोल ड्यूरिंग सेल डिविजन, लाइजोसोम्स जो है वो रप्चर होके सेल डिविजन, माइटोटिक डिविजन को प्रोवोक करते हैं, और माइटोटिक डिविजन को वो प्रोवोक करके और फिर माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो इस तरीके से ये उन सेल डिवीजन को भी प्रोवोक करते हैं। रोल इन क्रोमोसोमल ब्रेक, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स का जो ब्रेक होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि लाइजोसोम्स जो है एंजाइम सिक्रीट करते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियस जो होते हैं वो डीएनए पर अटैक करता है, और डीएनए पर अटैक करके क्रोमोसोम्स का ब्रेक करता है, और वो सेल डिवीजन के समय अरेंज हो पाते हैं। नाउ हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, जो सीड्स होते हैं उनमें फूड स्टोर्ड रहता है, और ये जो सीड है जब जर्मिनेशन का समय आता है तो ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद में जो लाइजोसोम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, स्टोर्ड फूड मटेरियल को वो डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करके एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, और नया सीडलिंग जर्मिनेट होता है। जब तक कि उसमें नए कॉटिलेडन्स बने, नई लीव्स बने और उनमें फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ, तब तक का फूड मटेरियल सीड के अंदर ही स्टोर्ड रहता है, और उसका डाइजेशन का काम करता है लाइजोसोम्स। लास्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन। अभी आपने देखा कि किस तरह से फूड पार्टिकल का उन्होंने डाइजेशन किया लाइजोसोम्स ने, इसी प्रकार से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, बैक्टीरिया, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर एंटर करता है, तो भी ये लाइजोसोम्स उस पर अटैक करते हैं और उसको डाइजेस्ट करके और उसको डीजनरेट कर देते हैं। इस प्रकार से ये हमारी सेल की भी प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। थैंक यू।